साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक मिनी ब्लॉग में। ये कल सुबह की बात है, 3 दिन बाद बारिश बंद हुई थी। मैंने कुत्ते को उठाया और चल दिया घूमने। जैसे घर से थोड़ी दूर निकला तो हमारे घर से लगभग 100 मीटर दूर ही लगभग 2 जगह पे लैंडस्लाइड हो रखा था, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। उसके आगे मैं और आगे निकला, देखते देखते तो आगे भी कुछ पत्थर सड़क पर आ रखे थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ और आगे देखने निकला जाए। जैसे ही आगे गया बैंड पे तो देखा वहाँ पे भी बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो रखा है और बहुत सारा मलबा जो है नीचे सड़क पे जा रखा है। सड़क भी बंद थी और वहाँ पे जो गाड़ियाँ थी वो भी बाल बाल बची थी। अगर थोड़ा इस तरफ और टूटता तो वो गाड़ियाँ भी दब जाती। वहाँ पे देखा, मैंने वीडियो बनाया और उसके बाद मैं घर के लिए निकल रहा था, तभी देखा गदेरे में भी पानी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। इतना पानी जो है बीच में नहीं था, तो बारिश की वजह से ये पानी बहुत ज़्यादा अपने स्तर पे था। उसके बाद मैं वहाँ से आ गया घर, कुत्ते को घुमाते घुमाते और सुबह की सैर करके। घर आते ही मैंने सबसे पहले चिड़ियों को दिया दाना, हमेशा की तरह। आज जो है बहुत कम चिड़ियाँ आई थी, लेकिन फिर भी मैंने दाना दिया। उसके बाद फिर से मैं भाई जी के साथ निकल जाता हूँ सेमल्थ गाँव के लिए, क्योंकि मुझे बकरी के दूध लेने जाना था, क्योंकि साहिल को हुआ था डेंगू और उसको बकरी का दूध देना है। सेमल्थ के रास्ते में भी बहुत सारी जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ था। बड़ी मुश्किल से मैंने जो है अपनी स्कूटी वहाँ से निकाली। जहाँ पर भी देखो वहाँ पर सिर्फ मलबा था। और उसके बाद सेमल्थ गांव में पहुँचा, भाई जी चले गए ऊपर बकरी का दूध लेने और तब तक मैं सड़क पर ही था। वहाँ पर भी थोड़ी देर आगे निकला तो वहाँ पर भी बहुत सारा लैंडस्लाइड हुआ था। वहाँ से घर आया मैं। घर आने के बाद नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद थोड़ी बहुत हल्की फुल्की धूप थी, तो जो है मम्मी लोगों ने कपड़े उपड़े आज सुखाने के लिए डाल रखे थे। उसके बाद लगातार JCB वाले का इंतज़ार कर रहा था और ही हमारा शेरू भी आराम से आज धूप सेक रहा था, क्योंकि कई दिनों बाद आज धूप निकली थी। उसके बाद शाम को आया JCB वाला, उसके साथ में गया वहाँ जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड था और उससे वो सारा मलबा हटवाया। सबसे पहले सेमल्थ वाले रास्ते में मैं से मलबा हटवाया और वहाँ से आने के बाद फिर अपने गांव में भी 2-3 जगह लैंडस्लाइड हुआ था, तो वो भी उससे हटवाया। सेमल्थ में हटवाने के बाद JCB वाला सीधे आया हमारे गांव की ओर, और गांव में सबसे पहला जो लैंडस्लाइड था वो रखा था डांग सेरा में, जो कि आपको दिख रहा है। वहाँ से मलबा हटाने के बाद उसके बाद गाँव का जो मुख्य बैंड है वहाँ पर से मलबा हटाया, और इस तरह से कल का जो है सारा दिन ये मलबा हटाने में ही मेरा गया।